नमस्कार विद्यार्थियों, हम हमारे YouTube चैनल द एक्सीलेंट एकेडमी पर आपका स्वागत करते हैं। और आज आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हम इस पर चर्चा करते हैं। आने वाले परीक्षाओं में जो विशेष क्वेश्चन होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही इस टॉपिक पर हम विशेष चर्चा करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कितने चरणों से होकर गुजरा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कितने हमारे क्रांतिकारी हमारे नेताओं ने किस किस माध्यम से इस आंदोलन को आगे ले जाने में अंग्रेजी हुकूमत को भारतीय सत्ता से दूर करने में अपना क्या योगदान दिया, क्या भूमिका निभाई, इस पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या है। आखिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो उभरा उसकी रणनीति क्या हुई भारतीय नेताओं के माध्यम से। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार होने में आपको पता होगा 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इत्यादि ऐसी घटनाएं हैं जिसके माध्यम से यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म होता है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ता जाता है। हम अधिक विस्तृत चर्चा न करते हुए अपने मुख्य बिंदु पर आएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गतिशील कैसे हुआ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो पृष्ठभूमि की हमने बात किया मित्रों, कि 1857 की क्रांति के पश्चात यह आंदोलन बढ़ता चला गया, वहां से इसकी रूपरेखा बनी, वहां से इसकी नींव बनी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट एक ऐसा एक्ट अंग्रेजी हुकूमत के माध्यम से भारत पर लागू किया गया, एक प्रकार से ये अंग्रेजी हुकूमत की एक ऐसी बेड़ी थी जो कहीं न कहीं ये भारतीय राजनेताओं को विवश कर दिया कि अब अंग्रेजी हुकूमत को जवाब देने का समय आ गया है। और उसी चरण में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तमाम ऐसे नेता हुए जिन्होंने अपना प्रयास शुरू कर दिया। तो हम बात करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मुख्यतः विद्यार्थियों तीन चरणों से होकर गुजरा। हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वो तीन चरणों से होकर गुजरा, पहला प्रथम चरण, दूसरा द्वितीय चरण और तीसरा तृतीय चरण। हम प्रथम चरण को नरमपंथी चरण के नाम से भी जानते हैं और जो आपका द्वितीय चरण है वो उग्रपंथी चरण या गरम दल के नाम से हम उसे जानते हैं। और हमारा जो तीसरा चरण है वो तृतीय चरण जो कि गांधी युग के नाम से मित्रों जाना जाता है। अब हम देख प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। एक वाइज बात करेंगे कि हमारा जो प्रथम चरण जिसे हम नरमपंथी चरण के नाम से जानते हैं और जिसे हम एक और अन्य नाम उदारवादी चरण के भी नाम से हम जिसे जानते हैं मित्रों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई। अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना कब हुई, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना 1885 में हुई। किसके माध्यम से, आखिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को स्थापित किसने किया, A.O. ह्यूम के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को स्थापित किया गया। इसका जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो तीन चरण अभी हमने आपसे चर्चा किया, जिसे हमने प्रथम चरण, जिसे हम नरमपंथी चरण एवं उदारवादी चरण भी कहते हैं, वह शुरू होता है 1885 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक का जो चरण होगा, 1885 से 1905 ईस्वी तक का जो चरण है वो है नरमपंथी चरण एवं उदारवादी चरण, जिसे हम प्रथम चरण के नाम से जानते हैं। फिर मैंने चर्चा किया द्वितीय चरण जो 1905 ईस्वी से लेकर 1919 ईस्वी तक चलता है, जिसे हम उग्रपंथी चरण के भी नाम से जानते हैं। और लास्ट में मित्रों हमने चर्चा किया कि हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो तीसरा चरण होगा वो तृतीय चरण के नाम से जाना जाता है, जो कि 1919 ईस्वी से प्रारंभ होता है और आजादी तक अर्थात 1947 ईस्वी तक तृतीय चरण चलता है। तो तृतीय चरण क्योंकि भारतीय
उस समय जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था या हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात अभी हमने कहा कि हमारे राजनेता 1857 की क्रांति, वर्ना क्लब प्रोजेक्ट इत्यादि ऐसी घटनाएं घटी जिसके माध्यम से जरूरत पड़ी कि अब कहीं ना कहीं एक ऐसी सत्ता की जरूरत है, एक ऐसे प्रशासन की जरूरत है, एक ऐसे शासन की जरूरत है जिससे अंग्रेजी हुकूमत की बेड़ियों को सदा के लिए नष्ट कर दिया जाए। तब जाकर भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ईस्वी में जन्मी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में होती है और जो एओह्यूम के द्वारा की जाती है। फिर हम जो बात कर रहे थे 1919 से आजादी तक की जो घटना थी, 1947 ईस्वी तक की जो घटना है वो है तृतीय चरण, क्योंकि 1919 ईस्वी से महात्मा गांधी जी का भारतीय पूर्वोत्तर की उस राजनीति में उनका जन्म हो जाता है 1919 में, इसलिए इस पूरे युग को महात्मा गांधी युग के नाम से कहा गया। क्योंकि आपको पता होगा 1893 ईस्वी में, मित्रों 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के एक मुकदमे के सिलसिले में, आप सब जानते हैं कि महात्मा गांधी एक बैरिस्टर थे और वो दक्षिण अफ्रीका में एक मुकदमा जो कि दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के एक मुकदमे के सिलसिले में वो दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं 1893 ईस्वी में। और 1893 ईस्वी में जब वो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो उनका कहीं न कहीं आना जाना तो भारत में था ही, किंतु 1914 ईस्वी में जब भारत में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, 1914 ईस्वी में जब उस समय महात्मा गांधी 1914 ईस्वी में भारत आए, लगभग 1893 से लेकर 1914 ईस्वी की जो ये घटना है लगभग 22 वर्षों की घटना, 22 वर्षों के पश्चात जब अंतिम रूप से महात्मा गांधी 1914 ईस्वी में भारत आए और उसके पश्चात भारतीय राजनीति में अपने आप को कहीं न कहीं पूरी तरीके से अपने को समर्पित कर दिया, और वहीं से 1919 ईस्वी से लेकर आज़ादी तक की जो घटना है वो महात्मा गांधी युग के नाम से जानी जाती है। हम बात करेंगे अब एक एक चरण को, मित्रों विद्यार्थियों हम डिफाइन करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जिसके अंतर्गत 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओह्यूम के द्वारा। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, किसके द्वारा की गई थी, यह भी प्रश्न बनता है। 1893 ईस्वी की जो अभी मैंने घटना आपसे चर्चा किया कि 1893 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए, दक्षिण अफ्रीका गए, किस सिलसिले में गए, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के एक मुकदमे के सिलसिले में गए, उसके वर्ण उसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न बनता है स्वामी विवेकानंद जो कि भारतीय युवा राष्ट्रीय शक्ति के एक महान उद्धारक थे, उन्हें आप जानते हो विशेष रूप से। 1893 ईस्वी में भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता जो कि विश्व धरातल पर अपनी एक पहचान चाहती थी, उस समय राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे, जिसके परिचारक कहीं न कहीं स्वामी विवेकानंद जी हैं। और उस समय भारत की ओर से एक युवा नेतृत्वकर्ता के रूप में 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो सम्मेलन में जो कि विश्व धर्म सभा थी, क्या थी मित्रों विद्यार्थियों, एक विश्व धर्म संसद था, एक विश्व धर्म सभा थी जिसमें भारत की ओर से कहीं न कहीं विश्व के एक आला धर्म गुरुओं का एक विशेष जमावड़ा होने वाला था, और हमारे भारत की ओर से उस समय हमारे युवा क्रांतिकारी स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में उस सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं। तो ये दो घटनाएं, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए और इधर से स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सभा में भाग लेने के लिए 1893 ईस्वी में गए। ये जो घटनाएं हैं कहीं कहीं परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है अमेरिका के किस शहर में स्वामी विवेकानंद गए थे, शिकागो शहर में गए थे, कब गए थे और 1893 ईस्वी में गए थे, क्यों गए थे। भारतीय कहीं कहीं विश्व धर्म संस्कृति एवं सभ्यता का एक मंच था, उसमें भारत की ओर से भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के एक मंच को, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के एक विरासत को प्रस्तुत करने के लिए गए थे, और वहीं से भारत पूरे जगत में, पूरे सृष्टि में, संसार में विश्व गुरु कहलाया धर्म के मामले में। ये घटना भी आपको हमने इस टॉपिक के ही माध्यम से इसको हमने क्लियर कराने की कोशिश किया, आपको समझ में आया होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि हमने बताया, यहां से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
के रूप में तीन संस्थाएं हुई भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यहां से तीन चरणों में गुजरता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम 1885 से 1905, द्वितीय 1905 से 1919 और तृतीय 1919 से लेकर 1947 ईस्वी तक। अब हम एक एक चरण की विस्तृत चर्चा करेंगे। हम उठाते हैं पहला उदारवादी चरण, जिसे हम नरमपंथी चरण के नाम से जानते हैं, 1885 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक की घटना। देखिए मित्रों, इस चरण को उदारवादी चरण क्यों कहा गया? आखिर जो नरमपंथी चरण है, जो प्रथम चरण है, इसे उदारवादी क्यों कहा गया? ये आप जान लीजिए, यह उदारवादी इसलिए कहा गया क्योंकि इस चरण के जो भी नेता थे, कहीं न कहीं उनका जो स्वभाव था वो नरम था, सहज था। वो कहीं न कहीं उनकी जो मांग थी, कहीं न कहीं इनकी जो डिमांड थी अंग्रेजी हुकूमत के समक्ष, वह यह थी कि कहीं न कहीं हम हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हमें स्वराज्य की प्राप्ति करनी है तो हम हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि अहिंसक सत्य के आधार पर कहीं न कहीं आंदोलन तो कर सकते हैं, लेकिन आंदोलन किस प्रकार का होगा? शांतिपूर्ण आंदोलन के तरीकों में ये विश्वास करते थे। जो हमारे उदारवादी चरण के जो नेता हुए, इनका जो आंदोलन था, इनकी जो हड़तालें थी, वो शांति स्वरूप रूप में ये करते थे। कहीं न कहीं आंदोलन हिंसक नहीं होने देते थे, आंदोलन सदैव अहिंसक होता था, अहिंसा का कहीं न कहीं पूरा पालन किया जाता था। शांतिपूर्ण विरोध सभा करते थे, कहीं भी अशांति का प्रयोग देखने को नहीं मिलता है। इसलिए इस चरण के सभी नेताओं को नरमपंथी एवं उदारवादी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत कौन कौन से जो प्रमुख नेता थे, हम उनकी चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले देखिए, अभी जो मैंने चर्चा किया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो तीन चरण हैं वो आपके सामने हैं। प्रथम चरण 1885 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक, फिर द्वितीय चरण 1905 से 1919 ईस्वी तक, आपका जो तीसरा चरण है 1919 से आज़ादी तक अर्थात 1947 ईस्वी तक। प्रथम चरण उदारवादी चरण कहलाया, द्वितीय चरण उग्रपंथी अथवा गर्मपंथी चरण कहलाया, तृतीय चरण जिसे हम गांधी युग के नाम से जानते हैं। प्रथम चरण में हमने कहा कि जो उदारवादी नेता हुए वो कहीं न कहीं शांतपूर्ण ढंग के आंदोलन में विश्वास करते थे, अहिंसक आंदोलन इनके होते थे, हिंसा का प्रयोग ये कतई नहीं करते थे, इसलिए ये नरमपंथी अथवा उदारवादी कहलाए। इसमें हमने कहा जो हमारे प्रमुख जो नेता हुए, जिसमें बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी घोष, बदरुद्दीन तैयब जी, रास बिहारी घोष, गोपाल कृष्ण गोखले इत्यादि, दादा भाई नौरोजी इत्यादि प्रमुख नेता हुए। कहीं न कहीं उसमें और जो हम नाम लेंगे, जैसे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयब जी, रास बिहारी घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इत्यादि कट्टरवादी नेता, जो कि हिंसक तो नहीं थे किंतु अहिंसा के माध्यम से, सत्य के माध्यम से इन्होंने क्या किया, अपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया। अच्छा, दादा भाई नौरोजी, दिस इज द ग्रेट ओल्ड ऑफ मैन इंडिया कहा गया, भारत का वयोवृद्ध नागरिक कहा गया। हमेशा प्रश्नों में मिल जाता है कि भारत का वयोवृद्ध नागरिक किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। उसके बाद आपके जो गोपाल कृष्ण गोखले, आपने हमेशा देखा होगा गोपाल कृष्ण गोखले के माध्यम से जो प्रश्न बने, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, हमेशा परीक्षाओं में, किसी भी परीक्षा की आप बात करेंगे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। उसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम मुस्लिम, इसे पहला मुसलमान कहा गया, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। कहीं न कहीं 1887 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ, उसमें बदरुद्दीन तैयब अध्यक्ष बनाया गया, और इसलिए यह कहा गया कि जो ये बदरुद्दीन तैयब था, उदारवादी जो नेता हुए बदरुद्दीन तैयब जी, कहीं न कहीं ये
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को होने वाले अधिवेशन में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की यदि बात की जाएगी, पहला मुसलमान अगर अध्यक्ष अधिवेशन में कोई हुआ तो वह बदरुद्दीन तैयब जी हुई। यहाँ से ये तीन जो प्रश्न है लगातार परीक्षाओं में, फिलहाल अभी हाल में चाहे वो पुलिस की परीक्षा हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती रही हो, या दरोगा की एग्जाम्स, जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं, आप देखेंगे हमेशा ये प्रश्न पूछा गया, वह प्रथम मुसलमान अध्यक्ष जो कांग्रेस, कहीं कहीं कांग्रेस की अध्यक्षता जिसने किया, बदरुद्दीन तैयब जी या महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी। और उसके बाद भारत का वयोवृद्ध नागरिक की यदि बात की जाएगी तो दादा भाई नौरोजी जी को माना गया। तो कहीं ना कहीं उदारवादी के अंतर्गत नरमपंथी नेताओं में जो मैंने आपसे बात किया वो कहीं ना कहीं दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी घोष, बदरुद्दीन तैयब जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इत्यादि ये कट्टरवादी नेता जिन्होंने क्या किया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया। इसी संदर्भ में हमारा जो दूसरा चरण प्रारंभ होगा वो 1905 ईस्वी से लेकर 1919 ईस्वी तक होगा। जो दूसरा चरण हुआ उसे हम उग्रपंथी चरण के भी नाम से जानते हैं। इसे उग्रपंथी क्यों कहा गया विद्यार्थियों? उग्रपंथी इसलिए कहा गया कि ये जो नेता हुए, ये जो क्रांतिकारी थे, कहीं ना कहीं इनकी जो मांग थी ये हिंसक थे। इनका यह मानना था स्वराज मांगने से नहीं अपितु लड़कर मिलता है, स्वराज मांगने से नहीं अपितु छीनने से प्राप्त होगा। आपको पता है कि उग्रपंथी चरण के नेताओं में अनेक कट्टरपंथी नेता हुए, जिसमें प्रमुख नेताओं की हम बात करेंगे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, ये जो प्रमुख जो नेता थे जिन लोगों ने ये कहा कि स्वराज, कहीं ना कहीं इनका जो आंदोलन था वो शांतिपूर्ण आंदोलन के तरीकों में विश्वास नहीं करते थे, इनका जो आंदोलन था वो सर्वथा हिंसक होता था, आगजनी पथराव, कहीं ना कहीं आग लगा देना बसों में, कहीं कहीं अंग्रेजी हुकूमत, क्योंकि आपको पता है उस समय हमारे भारत में ब्रिटिश हुकूमत थी और ब्रिटिश हुकूमत इतनी हावी थी कि कहीं न कहीं हमेशा भारतीय नेताओं को किसी न किसी माध्यम से रोजाना जहां कहीं भी आंदोलन कुछ भी घटनाएं घटती वहां अंग्रेजी पुलिस पहुंचती और सबको ले जाकर पूरा जेल में बंद कर देती, कैद कर देती थी। उसी को रोकने के लिए, अपनी मांगों को, अपने शासन प्रशासन को चलाने के लिए उन्होंने क्या कहा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसी के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिससे कि अब शासन प्रशासन में हमारी हुकूमत हो सके। अब कब तक आखिर हम अंग्रेजी बेड़ियों से उलझे रहेंगे, कब तक हमारे भारत देश पर अंग्रेजी हुकूमत अपना शासन करेगी। इसलिए जो उग्रपंथी नेता हुए, जो द्वितीय चरण हुआ, इसके जो प्रमुख क्रांतिकारी थे वो कहीं न कहीं भीड़ हड़ताल जुलूस इत्यादि के माध्यम से अपना आंदोलन करते थे और अपनी बात को अंग्रेजी हुकूमत के सामने प्रस्तुत करते थे। इसके अंतर्गत लाल बाल पाल, ये जो प्रमुख तीन कट्टर नेता थे, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, इन्हीं के साथ में अरविंदो घोष का भी नाम आता है जो कि हमारे उग्रपंथी नेता थे। अब आपको पता होगा इसी चरण में 1905 से लेकर 1919 की ही घटना, इसी चरण में हमारे भारत में प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है। मित्रों विद्यार्थियों, प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन जिसे हम बहिष्कार आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम स्वदेशी आंदोलन के भी नाम से जानते हैं। आखिर प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन जो कि 1905 ईस्वी से प्रारंभ होता है 1908 ईस्वी तक चलता है, विद्यार्थियों नाम से ही स्पष्ट है प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन भारत में चलाया गया पहला आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, अपना आंदोलन, जिसे बहिष्कार आंदोलन भी कहा जाता है। शब्दों पे गर्व करो, बहिष्कार, आखिर बहिष्कार करना किसका है? अंग्रेजी हुकूमत का बहिष्कार करना है। किस माध्यम से? स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से, अपने द्वारा आंदोलन करना है। अब अपनी बातों को, अपनी मांगों को कहीं न कहीं लड़कर लेना है, छीन लेना है।
आपको पता होगा बाल गंगाधर तिलक का जो कथन है, स्वराज मांगने से नहीं अपितु छीन कर प्राप्त होता है। तो मित्रों, इसी संदर्भ में हमने जो कहा 1905 ईस्वी से लेकर 1908 ईस्वी तक की ये जो घटना है, ये कहीं न कहीं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक मुख्य घटना है। कहीं न कहीं अंग्रेजी हुकूमत को भारतीय समाज से उखाड़ फेंकने हेतु ये प्रमुख घटना साबित हुई, जिसे हम बहिष्कृत आंदोलन कहते हैं। कहीं न कहीं अंग्रेजी स्कूलों का, अंग्रेजी शिक्षा का, अंग्रेजी व्यापार एवं कंपनियों का, कहीं न कहीं उनकी पूरी एक उनके शासन प्रशासन को क्या किया गया, जड़ से विरोध किया गया, उनका बहिष्कार किया गया। भारत के बंगाल जैसे प्रांतों में, बिहार जैसे प्रांतों में, उत्तर प्रदेश का समूचा भाग एकदम से तिलमिला उठा कि अब हम इनकी ज्यादा दिनों तक, अब इनकी हुकूमत के अब हम दीवाने हो ही नहीं सकते। दीवाने अगर होना है तो कहीं ना कहीं किसका, अब अंग्रेजी शासन का नहीं बल्कि भारतीय प्रशासन का होना है। और ऐसा बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ जो कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम के क्षेत्रों से लेकर समूचे उत्तर प्रदेश एवं अपित पूरे भारत में, एक व्यापक भारत में फैला हुआ उस आंदोलन का, जिसे प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन 1905 ईस्वी से लेकर 1908 ईस्वी तक की जो घटना है। समझिए बहिष्कार, बहिष्कार शब्द का अर्थ समझिए। आखिर बहिष्कार, हमने बताया स्कूल कॉलेज जो कि अंग्रेजी स्कूल कॉलेज हमारे भारत में संचालित होते थे, उनके व्यापार जैसे वस्त्रों का, उनके जो बड़े बड़े कंपनियों का, आपको पता है ब्रिटिश कंपनियां भारत में आई 1601 ईस्वी से लेकर, फ्रांसीसी हो, डच हो, डेनमार्क हो, आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह सब 1602 ईस्वी में भारत में स्थापित हुई। गोवा हो, केरल हो, कर्नाटक हो, हर जगह इन्होंने अपना क्या किया, अपने व्यापार का एक समूचा, पूरा एक स्थिति पूरे भारत में रौंद डाला कि हाँ जहां भी अंग्रेजी हुकूमत है। तब जाकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से, प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से, जिसे हम स्वदेशी आंदोलन कहते हैं, जो बंगाल से जिसकी शुरुआत हुई, और उसी आंदोलन में अंग्रेजी शासन को यह पता चल गया कि अब भारत में शासन करना आसान नहीं है, क्योंकि अब भारतीय लोग कहीं ना कहीं अब वो सजग हो रहे हैं, अब शासन करना मुश्किल हो सकता है। और उसी में जो ये बहिष्कार, उनकी स्कूल शिक्षा, उनके व्यापार, उनके शासन प्रशासन, उनकी पुलिस चौकियां इत्यादि को जलाया जाने लगा, कहीं न कहीं आगाजनी, पथराव, जुलूस इत्यादि के माध्यम से विरोध किया जाने लगा। और हम अब बात करेंगे स्वदेशी आंदोलन, इसकी घोषणा कब हुई, इसकी स्थापना कब हुई, इसके अंतर्गत क्या क्या घटनाएं हुई, आगे हम चर्चा